परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं लेता, यह सच है और शास्त्र बार बार यही बताता है। कुछ लोग अय्यूब का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे उसकी जिंदगी में हुआ वैसे हमारे साथ हो सकता है, पर यह बात सही नहीं है। आज परमेश्वर यीशु मसीह हमें ऐसी किसी भी परीक्षा में नहीं पड़ने देना चाहता, पर शास्त्र 1 कुरिन्थियों 10:13 में कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। अक्सर हम कठिन परिस्थिति से जब गुजरते हैं तो हम अपने आप को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि परमेश्वर हमारे विश्वास की परीक्षा ले रहा है। परमेश्वर पाप से नफरत करता है और हर एक चीज जो पाप कराती है उसे वह नहीं पसंद करता। परमेश्वर आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं कर रहा है या आपके विरोध नहीं है, पर वह आपके साथ है ताकि आप अपनी जिंदगी में जीत हासिल कर सको, और अंत में जब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो तो परमेश्वर से जीत का मुकुट पाओ, जैसा प्रकाशित वाक्य 3:21 कहता है। हमारे जीवन की कमजोरी आकर्षित करती है शैतान को, जो हमें आजमाइश में डालने का प्रयत्न करता है कि हम पाप में गिरे और परमेश्वर से दूर हो जाए। याकूब 1:13-15 कहता है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींच कर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। अगर अजमाइश या परीक्षा हो तो जानो कि यह परमेश्वर की इच्छा नहीं, पर यह शैतान आपकी ओर ले आ रहा है, और साथ ही परमेश्वर आपके लिए है ताकि वह आपको मदद करे इस परीक्षा से बाहर निकालने के लिए, ना कि आप पाप में फंस जाओ। हर एक जो परमेश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि मेरी जीवन में स्थिति मेरे सहने या मेरी क्षमता के बाहर नहीं आएगी, पर परमेश्वर हमें वह बल प्रदान करेगा कि हम उस स्थिति से बाहर आ सके। यीशु मसीह मत्ती 6 में जब अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाता है तो इस विषय में कहता है कि हमें परीक्षा में ना आने दे, जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमें अपने दिन की शुरुआत में ही प्रार्थना में अपने आप को तैयार करना चाहता है कि इस प्रकार की परीक्षा से दूर रह सके। पौलुस अपनी पत्री में कलीसिया और तिमुथियुस से अजमाइश और परीक्षा से दूर भागने को कहता है। आज मेरी आपके लिए प्रार्थना है कि आप किसी भी ऐसी परीक्षा में ना पड़ो, अपने आप को इस प्रकार काबिल करो कि शैतान को आकर्षण करने वाली किसी भी प्रकार की आजमाइश आपके जीवन में ना हो और आप परमेश्वर में सुरक्षित रहो। आमेन।